नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार लिस्ट हुआ था और उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिला था। इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 634 रुपये का और वहाँ से इस कंपनी में कंटिन्यू आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा है। आप देखेंगे इस कंपनी ने अपना लो बनाया है 567 रुपये 15 पैसे का। तो ऐसे में क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए, इस कंपनी का फंडा मेटल कैसा है, सब कुछ देखेंगे आगे वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर आपको भी बेच के निकल जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1728 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की तो 48.5% का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। जबकि कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट की बात करते हैं तो 25 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। आप देखेंगे इसका जो स्टॉक पी है वो 57 के पास का मिल रहा है। हालांकि जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनका पी अक्सर आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा बाकियों की अपेक्षा में, इस बात का ध्यान रखें। देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या निकल कर आता है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है 33.60 रुपए का। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों अगर इस कंपनी के बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने आपको 64% का डिटेल दिखाया है। जबकि अगर बात करते हैं TTM की तो 49% का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी में। अगर इस कंपनी के सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 24% और TTM में आपको 39% का डिटेल देखने को मिलेगा। इक्विटी की बात करें तो आप देखेंगे 3 साल में 41% और लास्ट ईयर आपको 38% का डिटेल देखने को मिलेगा। यानी कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग ये शेयर है। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो यह कंपनी आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे जाएगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। हालांकि ये शेयर थोड़ा सा और ज्यादा नीचे जाएगा तो उसके में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। आप चाहे तो और ज्यादा इस कंपनी को बाय करके चल सकते हैं अगर आपको IPO मिला है। अगर आपने ओपन मार्केट में इस कंपनी को बाय किया है ऊपर लेवल पे तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, नीचे प्राइस पे आप एवरेज करके चलें इस कंपनी के लिए, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।